अगर आप घर बैठे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं मोबाइल के द्वारा एसएमएस भेजकर, तब दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर मैं आ चुका हूँ। जो भी मैं प्रोसेस आज की वीडियो में बताऊंगा उसका सोर्स दोस्तों जो है यही वेबसाइट है, इसलिए आपको एकदम एक्यूरेट और सही जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस के माध्यम से आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं, तब आपका एक फ़ोन नंबर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से लिंक नहीं है, तब इस कंडीशन में आप जो है ये प्रोसेस मोबाइल के द्वारा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो है मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर, उसके बाद दोस्तों आप जो है ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये काम हो जाएगा आपका। चलिए अब प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोसेस आ चुकी है। आपको जो है अपने मोबाइल में न्यू मैसेज टाइप करना है, मैसेज बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दोस्तों क्रिएट न्यू मैसेज पर क्लिक कीजिए और मैसेज में आपको लिखना है, कैपिटल में आपको लिखना होगा UID, ये चीज़ आपको लिखना है कैपिटल में UID। इसके बाद आपको जो है एक स्पेस दे देना है और स्पेस देने के बाद आपको जो है अकाउंट नंबर लिख देना होगा, जो भी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है वो पूरा अकाउंट नंबर आप लिख देंगे। इसके बाद आपको फिर से एक स्पेस देना है और आपको जो है अपना पूरा आधार नंबर लिख देना है, पूरा आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तब आपको जो है इस फॉर्मेट में पूरा मैसेज लिखना होगा, सबसे पहले आपको UID लिखना है कैपिटल में, स्पेस देना है, अकाउंट नंबर लिखना है पूरा, इसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है और इसके बाद आपको जो है अपना आधार नंबर पूरा लिख देना होगा। इस फॉर्मेट में आप SMS लिख देंगे और SMS लिखने के बाद आपको जो है इस मैसेज को जो है एक नंबर पर सेंड कर देना है। नंबर दोस्तों दे सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है नीचे, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, नंबर है 09223008486। एक बार फिर से नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 09223008486। इस पर आपको जो SMS को भेज देना है, SMS भेजने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है, थोड़े टाइम बाद जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है आपको रिटर्न में मैसेज आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली लिंक हुआ है नहीं हुआ है। अगर किसी कारणवश जो है आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो उसका रीजन भी लिखा होगा, उस प्रॉब्लम को आप जो है सॉल्व करके दोबारा ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड लिंक हो जाएगा आपके अकाउंट से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मैसेज जो है SMS जो आपको सेंड करना है वो उसी नंबर से सेंड करना है जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर से ही आपको SMS सेंड करना होगा। तब दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड लिंक करने के लिए SMS के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है या इससे रिलेटेड में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अभी का भी जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मेरी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके।